ऐ काश अपने मुल्क में ऐसी फिजा बने, मंदिर जले तो रंज मुसलमान को भी हो, पामाल होने पाए ना मस्जिद की आबरू, ये फिक्र मंदिरों के निगहबान को भी हो। आज हमने मेवात में सोना में आकर के हमने ये चीज़ देखी कि मैं एसडीएम ऑफिस के ठीक सामने सोना के खड़ा हूँ, एसडीएम साहब ने ठीक यही बात हमें बताई है। तो जहाँ जहाँ हिंदूज के एरिया में जो भी मस्जिदें थी वहाँ पे हिंदूज ने खड़े होकर मस्जिदों की पूरी रात वहाँ पे प्रोटेक्शन करी। जब हमने वहाँ पे फ्लैग मार्च भी गया, हम इंस्पेक्शन करने भी गए, मौके पे पहुँचे तो हमने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि जी हम यहाँ के इलाके के हिंदूज हैं और ये हमारी मस्जिद है, हमारे भाई आके यहाँ पे नमाज पढ़ते हैं और हम इनकी प्रोटेक्शन करेंगे। सिमिलरली जब हम मुस्लिम्स के एरियाज में गए तो वहाँ पे भी हमने देखा कि मुस्लिम्स के लड़के थे वहाँ पे, मुस्लिम्स थे, उन्होंने कहा जी यही मंदिर है, हमारे भाई आकर यहाँ पर पूजा करते हैं और ये हमारी जिम्मेवारी है कि हम इसकी प्रोटेक्शन करें। तो एक बहुत अच्छा भाईचारे का मैसेज था जिससे हमें भी इस बात को फिर भरोसा मिला कि यहाँ के जो लोग हैं वो शांति अमन के लिए लोग हैं, शांति चाहते हैं, इस तरीके की दंगा भड़काना नहीं चाहते हैं। दोनों तरफ से कुछ कुछ बैड एलिमेंट्स होते हैं, 1-2% लोग जिन्होंने इस तरीके की लोगों की भावनाओं को उकसाने का काम करते हैं, हमने उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करी है, पुलिस उठा भी रही है, उनसे जाँच भी कर रही है, जो भी इसमें संलिप्त पाया जाता है उसके खिलाफ हम कार्रवाई भी कर रहे हैं। तो इम्पार का ये जो डेलीगेशन है ये आज पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की, लोगों से मुलाकात की और एसडीएम साहब से आकर के उनके दफ्तर में मुलाकात की है। आपसे थोड़ी देर पहले हमारा यहाँ पर आना हुआ है, मैं इम्पार के डेलीगेशन के साथ यहाँ पर आया हुआ हूँ। इम्पार का एक डेलीगेशन आया हुआ है जिसमें जिसकी क़यादत एमजी खान साहब जो इम्पार के अध्यक्ष हैं वो कर रहे हैं। तकरीबन 10 लोगों पर मुश्तमिल ये डेलीगेशन यहाँ पर आया। इससे पहले सोहना पहुँचने से पहले रास्ते में पुलिस कमिश्नर साहिबा से मुलाकात की गई, वहाँ पर हालात का जायज़ा लिया गया। उसके बाद फिर सोहना में आकर के, सोहना में एक बहुत ही अहम शख्सियत जावेद साहब की है जो आम आदमी पार्टी के लीडर हैं, इस पूरे इलाके में अमन को कायम करने के लिए एक बड़ा रोल अदा कर रहे हैं पहले दिन से। तो उनके यहाँ ये डेलीगेशन रुका है और उनसे अपडेट्स ले रहा है और लोगों का यहाँ पर क्या मामला है, किस तरह से यहाँ पर अमन कायम हो रहा है, किसका क्या रोल है और किस तरह से सोसाइटी इसमें इन्वॉल्व हो रही है अमन के क़याम में, सारी बातें यहाँ पर हो रही हैं अंदर। आइए मैं आपको लिए चलता हूँ और मुलाकात कराता हूँ कि उस दिन क्या वाक़या हुआ था कासम साहब। उस दिन ऐसा था सर, उस शरारती तत्वों ने दोनों साइड से आकर करके अम्बेडकर चौक पे पत्थरबाजी की और वो दोनों कम्युनिटी में थे, एक कम्युनिटी में नहीं दोनों में थे, कुछ उधर की साइड भी थे कुछ उधर की साइड भी। तो जैसे थोड़ा वहाँ हल्ला हुआ तो पब्लिक ने आगजनी कर दी, आगजनी की वजह से जो ये घटना घटी है बहुत ज़्यादा दर्दनाक घटना घटी है। इसके बाद में हमारा जो यहाँ का प्रशासन है उन्होंने, यहाँ कितने लोगों का नुकसान हुआ है कुछ पता है? यहाँ सर कम से कम भी 50 लोगों का नुकसान हुआ है, जिसमें रेहड़ी हैं, खोके हैं, दुकानें हैं, बड़ी दुकानें भी हैं, बड़ी दुकानें हैं सर, 5-6 दुकानें इतनी बड़ी हैं जिसमें कम से कम 15-20 लाख रुपए का नुकसान है, क्योंकि 90% इसमें जो लोग हैं वो रेहड़ी वाले, होके वाले और गरीब आदमी हैं जो बेचारा अपना सुबह का शाम तक का कमाते हैं और अपना गुजारा करते हैं। जो नुकसान हुआ है सोना के अंदर मुझे हुआ है सबसे ज़्यादा, मेरी दुकान फूट गई है, टारगेट बनाकर फूक गया, ये है यहाँ का मालदार आदमी इसका फूक गया, टारगेट बनाकर फूक गया, गरीब आदमियों को खोके फूंक दिए गए, गाड़ियाँ फूंक दी गई हैं, बेचारों को रेहड़ी हैं वो फूंक दिए गए हैं, वो बच्चे बेचारे बहुत परेशान हैं, बाहर के कमाने वाले कोई आदमी नहीं है हमारे यहाँ, सब बिल्कुल बंद करके चले गए हैं। मेरे सामने कभी ज़िंदगी में ऐसा नहीं हुआ कि हमारा भाईचारा खराब है, हमारे हिंदू मुसलमान कोई है नहीं, वो उसके घर में जाता है शादी में, वो उसके घर में जाता है, कभी ऐसी है नहीं हमारे यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। इससे बड़ी बात है कि आगे इस तरह की चीज़ें ना हों, उसके लिए पीस कमेटी या इंटरफेथ डायलॉग या एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में कोई ऐसा सिस्टम बनाने का जिसमें दोनों कम्युनिटीज़ के जिम्मेदार लोग वक्त दर वक्त मिलते रहें। और सबसे इम्पॉर्टेंट फिर मैं रिपीट करता हूँ आखिर में कि जो र्यूमर मॉगरिंग है, जो एक तरीके से सोशल मीडिया पे कोई भी अपने हीरो बनने के लिए कुछ भी डाल देता है, तो मुस्लिम कम्युनिटी को भी थोड़ा सा रिएक्शन से बचना चाहिए और ऐसे लोगों के लिए एक डॉक्यूमेंटेशन ज़रूरी है। आपके जो एस्टेब्लिशमेंट हैं उसके लिए इंश्योरेंस कराइए, अंदर हिडन कैमरा लगवा के रखिए और जब भी कोई प्रोसेशन निकले चाहे छत से या कहीं से भी उसका लाइव वीडियो जरूर करें, चाहे फेसबुक लाइव करें, जैसे भी जो कुछ हुआ उसकी वजह से सोना को भी थोड़ा बहुत उसका हिस्सा बनना पड़ा और कुछ चंद लोगों ने उसका यहाँ करके भाईचारे के माहौल को ख़राब करने की कोशिश करी गई, जिसका असर ये हुआ कि वो यहाँ से गुड़गांव बढ़ गया और गुड़गांव से फिर वो सारे देश तक गया। लेकिन सच्चाई ये है कि यहाँ का भाईचारा इतना मजबूत था, है और रहेगा, इन चुटपुट घटनाओं से नहीं टूटेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एशिया टाइम्स, सोहना।